महापुरुषों का सम्मान है। और आज देखिए कितना अद्भुत संयोग है कि जहां हमारा जैन और सिख समाज का अटूट रिश्ता है, आज भगवान महावीर जी के 2550वें वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में उसे विश्व मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और जिस समय विश्व मैत्री वर्ष का शुभारंभ अमेरिका की कैपिटल हिल से आज होने जा रहा है, उस समय मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके संपूर्ण सिख समाज खड़ा है। और आज सिख समाज की यहाँ प्रेयर हुई है, मैं सभी साहिबजादों का, आप सबका जो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर रहते हुए, मैं इन सबको सम्मान के अंदर ये भगवान महावीर जी की तस्वीर और नमस्कार महामंत्र, मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा, नमस्कार महामंत्र में कोई भगवान महावीर या ऋषभ को नहीं, नमो अरि हंताणम, अरि का मतलब दुश्मन, हंत का मतलब नष्ट कर दिया, जिसने अपने भीतर के राग द्वेष को, मोह माया को, काम क्रोध को नष्ट कर दिया, उसको नमन किया है। तो ये गुण प्रदान नमस्कार महामंत्र, भगवान महावीर की तस्वीर और विश्व मैत्री वर्ष के रूप में हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। देखिए यूक्रेन और रशिया का इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों बच्चे, मासूम बच्चे जो हैं असमय में वो चले गए, हजारों बहनें विधवाएं हो गई, लेकिन आखिर बाद में भी बातचीत की टेबल पे आना है तो हम सबका कहना है पहले ही बातचीत की टेबल पे क्यों ना आ जाए। यही भगवान महावीर जी ने अनेकांत का संदेश दिया था, अहिंसा का संदेश दिया था, गुरु नानक जी, नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो यही संदेश दिया था। आप चाहे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, आप जैन आगम पढ़ लो, या हमारी भारतीय मनीषा के और ग्रंथ पढ़ लो। तो मैं आज विश्व मैत्री वर्ष के अवसर पर, मेरे साथ हमारे सारे सिख भाई खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के, हमारा शताब्दियों का संबंध है, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आओ हम सब मिलकर के, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें, यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। मैं निवेदन